गुड मॉर्निंग मानी सिंह, गुड मॉर्निंग क्लास 8 वालों के लिए मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट करें। ओके मैडम सिंह, तो इसके पहले 2.1 के पहले चैप्टर 1 तक सारे क्वेश्चन लग गए होंगे। मैंने भी बहुत से क्वेश्चन लगा दिए थे, सॉल्व करा दिए थे, बहुत से होमवर्क भी दे दिए, सेम टू सेम लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते। ओके मैडम सिंह, चलिए तो पहले चैप्टर 2.1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने पहले ये बेसिक फार्मूला लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैडम से अगर आपको बेसिक फार्मूला लर्न रहेगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं लगाए। तो देखिए मैं समझा देता हूँ, वैसे बुक में भी है, अगर जिनके पास बुक है उसके पास बुक में भी देख सकते हैं, जिनके पास नहीं मैं उन्हें समझा रहा हूँ। ये पहले 7 फार्मूले लर्न कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सपोनेंट पावर। अगर आपको लर्न है तभी एक्सपोनेंट पावर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अगर यही नहीं लर्न होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो सब काम छोड़ के पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, अभी आप देख ताके लगाइए, लेकिन एग्जाम में आपको एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखिए अगर बेस सेम है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, ठीक है मैडम, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। अगर बेस सेम है तो इनटू में पावर का क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब यही अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवीजन में पावर का माइनस होता है, ठीक है मैडम। मैं आपको लर्न करा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। अगर यही बेस अलग हो, ठीक है मैडम, बेस अलग हो लेकिन पावर सेम है, तो बेस का इनटू हो जाएगा, पावर सेम रखेंगे। लेकिन यही डिवीजन में अगर पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो, तो इसी बेस का डिवीजन कर देंगे, पावर सेम है। ओके मैडम, आइए, अगर किसी भी बेस का पावर जीरो लगा देंगे तो वैल्यू क्या होता है उसका, वन। अगर किसी बेस का पावर हो उस पूरे टर्म का पावर हो तो पावर का पावर में क्या करते हैं मैडम, इनटू करते हैं, बेस वही रहता है। और अगर किसी भी बेस का पावर माइनस में है तो वन अपान में उसको करते हैं तो नीचे जाता है पावर, यानी कोई भी बेस का पावर माइनस में है तो वन अपान में उसको लिखते हैं तो नीचे उसको पावर प्लस में लिखते हैं, यानी पावर माइनस ऊपर है तो नीचे जाएगा प्लस, अगर प्लस है तो नीचे जाएगा माइनस। ये बेसिक 7 फार्मूला आप अच्छे से लर्न कीजिएगा तभी पूरा एक्सपोनेंट लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं। और मेरा मानना है कि अगर आपको फार्मूले याद है तभी क्वेश्चन लगा पाए, फार्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं लगा। तो पहले काम ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। चलिए तो मैं मानता हूँ आप फार्मूला लर्न कर लेंगे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो देखिए मैडम से, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर। कोई बात नहीं, अभी आपको याद नहीं, अभी आप दिख तक लगाए, लेकिन फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। -260/100, तो इसको जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, फिर 5 का करें 5 × 5 × 5, ठीक है जी। अब देखिए क्या करना है, 2 × 2, तो माइनस, अब क्या करना है, चूंकि पावर में लिखना है तो 2 और 3 एक साथ ले, 2 × 3 = 2 × 3 = 2 × 3 = 2 × 3, 1 × 2 = 1 × 3 = 1 × 2 × 3 = 1, ठीक है। अब इसको कहेंगे 6, तो -6 × -6, मैं डायरेक्ट भी -6 लिख सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो -6 × 6 × 6 3 टाइम, 5 × 5 × 5। अब देखिए 6 और 5 ऊपर नीचे 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं -6/5³, क्योंकि 3 टाइम्स में। अब चूंकि माइनस लिए, क्योंकि माइनस और टाइम्स माइनस होता है, माइनस इवन टाइम प्लस होता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो हम इसको -3 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस और टाइम माइनस, तो ये हुआ आंसर। अब इसी तरह मैडम बी पार्ट है, देखिए 1/253, 1 को लिख सकते हैं 1 × 1 × 1 × 1, कितनी बार भी लिखे वन ही आएगा, और 243 को 3 × 3 × 3 × 3, ये एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे आपको पता चलेगा। प्राइम फैक्टर जैसे पहले 2 से काटे, 3, 5, 7, जैसा कि आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, तो जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही प्राइम इसका फैक्टर करेंगे, एकदम एलसीएम जैसे वैसे ही करेंगे, तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 3 × 5 × 10। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 5 बार 3 5 बार, तो इसको 1/3 होल पावर 5 हो गया मैसे, तो इसी को बोलते हैं पावर नोटेशन के रूप में, ठीक है। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर। आई, अब क्वेश्चन नंबर बाकी, अब इसमें का सी डी पार्ट होमवर्क कर लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू, किसी भी बेस का पावर है उस पूरे का पावर, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला नंबर एफ लगेगा, क्या लगेगा, फार्मूला नंबर एफ। तो पावर का पावर में क्या करेंगे उसमें, माइनस स्टूडेंट 3 × 9। अब आप बुक में ये से छोड़िए, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में चूंकि यहाँ लिया है तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, बट चूंकि बुक में यहाँ पे छोड़ा है तो आप यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा जब यहाँ पे छोटा पावर है तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बड़ा पावर हो 20, 25, 30, अगर इससे लंबे लंबे पावर हो तब सॉल्व नहीं करेंगे, तब पावर में छोड़ दें, लेकिन बुक में चूंकि यहाँ सॉल्व किया तो आप इसको सॉल्व करें। तो 3 × 3 × 3 × 9 टाइम्स, तो हो गया मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 20, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 9 ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 3 × 9
नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81, 81 थ्री जा ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 19,683। ओके मैं, तो चूंकि बुक में ये आंसर है तो आप भी फेयर में इस यही पे आंसर छोड़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ पढ़ते हैं। 5 का पावर स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर, तो पावर जब बेस का पावर हो पावर का पावर, जिसमें फार्मूला नंबर एफ लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि यहाँ पे फार्मूला लगा है ए के पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पे फार्मूला का ए के पावर एम इंटू एन, यहाँ पे मैं ब्रेके में लिख दे रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज, ताकि आप दिमाग में आपके हिंट हो जाएगा कि वो यहाँ पे ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला लग रहा है मैडिस्टेन, अगर ए किसी बेस का पावर एम हो उस पूरे का पावर एन हो तो पावर का पावर में क्या होता है मैडिस्टेन इंटू हो जाता है, क्या हो जाता है इंटू। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला 2 2 4 4, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या सॉल्व, चूंकि बुक में सॉल्व किया तो आप सॉल्व करिए। 5 × 5 × 5 फोर टाइम, तो 5 × 5 = 525, 5 × 125 = 165, 125 = 625। ओके आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफाई, तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 7 फॉर्मूले बेसिक एक्सपोनेंट की पावर लर्न होने चाहिए। 15/16 का होल पावर क्यूब डिवीन 9/8 का होल पावर 2, तो 15 का क्यूब अपॉन 16 क्यूब ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, इंटू 8 का पावर स्क्वायर अपॉन 9 का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 15 को लिख सकते हैं जैसे एलसीएम निकाले 3 × 5, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 4 टाइम यानी पावर 2 की पावर 4। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 9 को 3 स्क्वायर, ये कहाँ से आया, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो वहाँ से पता चलेगा कि ये कितनी बार है। अब देखिए क्या करेंगे मैडोशन, अब 3 × 5 / 3 / 2 / 12 अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर इस पूरे का होल पावर 3 है तो 3 की पावर भी 3 होगा इंटू 5 की पावर भी 3 होगा। ओके मैडोशन, तो मैंने कर दिया 2 की पावर 12। अब देखिए पावर का पावर है मैं इंटू 3 × 2 = 6, पावर का पावर में इंटू 2 × 4 और पावर का पावर में इंटू 4 × 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 12 × 2 की पावर 6 / 3 की पावर 4। अब देखिए 3 की पावर 3 / 3 की पावर, अब जो बेस है जैसे इसका भी बेस 3 है इसका भी बेस 3, उसको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है मैडम से उसको एक साथ लिख लीजिए 2 की पावर 6 / 2 की पावर 12, तो जो बेस है ये यहाँ पे बेस में 2 है इसमें भी 2, तो सेम बेस वाले को एक साथ लिख लीजिए, 5 बेचारा अकेला उसको अकेला रहने दीजिए। अब देखिए जब बेस सेम है तो 1/, तो नीचे क्या करेंगे माइनस, बेस सेम है पावर अलग है तो क्या होता है डिवीजन में पावर का माइनस, तो माइनस करें 1/3 की पावर 4। अगर आप नीचे माइनस करेंगे तो नीचे तो 5/4 में से माइनस करेंगे, अगर इसी को आप ऊपर लिखेंगे तो ऊपर 3 में से माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जहां भी लिखेंगे उसी के पावर में से माइनस, तो 1/3 / 4 में से। अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो डिवीजन में पावर का माइनस करेंगे तो 1/2 / 12 - 6। बस इस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा अगर आप ऊपर माइनस कर रहे हैं तो ऊपर 6 में से माइनस करेंगे, अगर नीचे माइनस कर रहे हैं तो 12 में से माइनस करें, बस अंतर इतना है। तो चलिए 1/4 / 1 × 5 / 3, ठीक है 1/12 / 6। अब देखिए अब 5 × 3/3, 3 × 1 = 3, अब 2 × 6 = 2 × 2 × 2 = 6, 5 × 5 = 5, फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए माइनस 10 और नीचे का नीचे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, 3 × 4 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 32 = 64, 125 = 64, 190, सो ये आपका आंसर। अब चूंकि किसी नंबर से ऊपर नीचे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही आपका फाइनल। ओके मैडम, आइए इसी पार इस तरह मैडम देखिए बी पार्ट भी है सॉल्यूशन। 2 का पावर स्क्वायर × 3 का पावर स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर, तो देखिए जब होल पावर है तो इसका भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर × 3 के क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर पावर होल स्क्वायर। अब किसी भी बेस का पावर हो उस पूरे पावर का पावर हो तो यहाँ पे क्या होता है पावर का पावर में इंटू हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। अब 2 के पावर 4 × 3 के पावर 6, ठीक है 2 के पावर 4 × 2 × 2 = 4 times, 3 के पावर 6 × 3 × 2 = 6 times, 2 × 4 × 2 = 16, 3 × 9 = 27, इस तरह करेंगे 2 × 43 = 3 = 29, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11,641। तो देखा इसमें वही सब फॉर्मूले लगे हैं मैडम, जो 7 फॉर्मूले लर्न करा लिखा दिए उसको लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वही 7 फॉर्मूले कब कहाँ लगेंगे, इसी तरह के सिंप्लीफाई में कहीं भी कोई भी फॉर्मूले लग सकते हैं, 7 फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला कभी भी लग सकता है। ओके मैडम, सो ओके, तो ए बी पार्ट मंगा दिया, इसी तरह सी डी पार्ट होमवर्क रहेंगे सॉल्व करें। ओके मैडम, तो जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया इसे आप फेयर पे नोट करते चलिएगा, ठीक है मैडम, और जो पार्ट मैंने छोड़ दिया सी डी पार्ट वो सेम टू सेम इसी तरह आप कर लेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कर जाओ, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, और जिनके पास बुक है वो बुक में से बाकी क्वेश्चन होमवर्क लगाएंगे, और जिनके पास बुक नहीं है मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पहुँच करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, और इस
इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये सातों फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके मैडम सेन, चलो चलिए ठीक है मैडम सेन। तो क्वेश्चन नंबर वन का मैंने ए बी बता दिया, इसी तरह सी डी ई एफ होमवर्क रहेंगे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए बी पार्ट मैंने बता दिया, इसे सी डी ई एफ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए बी पार्ट मैंने बता दिया, इसी तरह सी डी ई एफ इसी तरह करिएगा। सातों फॉर्मूले लर्न करके करिएगा, कोशिश करिएगा। और अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछे, मैं आ सकता हूँ तो आप कर ही लेंगे अगर आपको सेवन फॉर्मूले लर्न है। और जिनके पास बुक है बुक से करेंगे, जिनके पास बुक नहीं वो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लाइट करके होमवर्क। ओके मैम सेन, और कोई भी डाउट होगा तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछते हैं। और कल हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ फोर है, करने की कोशिश करिएगा, आगे भी उसी तरह क्वेश्चन है, दिमाग लगाए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे हम आपसे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट। ओके मैम सेन, सो फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम सेन, माय स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 आज इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। ओके स्टूडेंट माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल बेस्ट, सी यू टुमारो वंस अगेन एंड जय हिंद।